आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। यहाँ पे देखिए हमारे पास कद्दू है और यहाँ पे देखिए कदीमा है और साथ में जो है यहाँ पे मूली है, कटहल है और बहुत सारा सब्जी है। यहाँ पे खीरा वगैरह है, बैगन भी है यहाँ पे देखिए, और साथ में जो है भिंडी वगैरह भी है और झींगा सब भी है। तो सारा जो ताज़ा सब्जी लाए हैं अभी, इसको जो है हम लोग आज का प्लान ये है कि हम लोग इसको मिट्टी के अंदर जो दफना देंगे कुछ दिन के लिए। आप लोग बताइएगा वो कमेंट करके कितना देर के लिए दफनाएंगे, और जो है फिर इसके बाद जो है हम क्या करेंगे उसको, जितना दिन आप लोग बोलिएगा, 5 दिन 7 दिन 1 सप्ताह, 1 सप्ताह से ज़्यादा मत बोलिएगा, उतना के अंदर जो है उसके बाद देखेंगे इसमें क्या मतलब बदलाव आता है, चेंजेज आता है, ये कितना ख़राब होता है, ये कितना सही होता है, और ये मतलब कितना परफेक्ट रहता है, खाने लायक रहता भी है कि नहीं रहता है। तो यही आज चेक करने वाले हैं सारा सब्जी को दफनाने के बाद। तो चलिए अभी जो है 15 रंग का सब्जी हाँ 15 टाइप का सब्जी है सारा जो है, जो सरने वाला सब्जी है मतलब डिकम्पोज हो जाता है उसको अलग डालेंगे, और जो थोड़ा लेट से ख़त्म होता है, ख़राब होता है, उसको अलग डालेंगे। तो चलिए अभी यहाँ पे डालना शुरू करते हैं सारा सब्जी। सबसे पहले यहाँ पे गड्ढा खोद लेते हैं बढ़िया से 2-3 टाइप का। तो यहाँ पे अभी गड्ढा खोदना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी जो है यहाँ पे फिलहाल आयान जो है दो गड्ढा खान दिए हुए हैं, एगो हम किए हैं, एगो ये किया है थोड़ा सा, और देखिए अभी और थोड़ा जो है स्पेस, चलो छोड़ दो हो जाएगा, थोड़ा निकाल दो बस साइड। फर्स्ट ईयर में सिविल इंजीनियरिंग भी है। तो देखिए गाइज अब गड्ढा खुदा चुका है, अब छोड़ दे आयान, यहाँ पे गड्ढा खोद चुके हैं हम लोग। अब बारी है जो सब्जी खराब होने वाला है उसको एक तरफ, और जो सब्जी खराब बहुत लेट से होता है मतलब ज़्यादा दिन चलता है उसको एक तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास देखिए ये कदीमा है, कदीमा को यहाँ पे डालते हैं। ये देखिए ये थोड़ा लेट से ख़राब होता है इसलिए इस गड्ढा में डाल रहे हैं, मतलब जो इस साइड है उसमें जो है हम लोग ख़राब होने वाला, जो कि ख़राब बहुत लेट से होता है वो डाल रहे हैं, उसमें जो ख़राब होगा वो डालेंगे। कटहल लाओ, कटहल नहीं नहीं कदीमा के साथ, ये ख़राब होने वाला है। आलू डालो यहाँ पे, कटहल देखिए कटहल डाल रहे हैं हम लोग क्योंकि ये ख़राब होने वाला है, तो यहाँ पे ये डाल दिए कटहल, आलू भी, और जो है आलू भी थोड़ा लेट से ख़राब होता है इसलिए इसके साथ आलू भी डाल देते हैं। ये देखिए आलू है, आलू को भी डाल दिए यहाँ पे, और जो है यहाँ पे प्याज भी ख़राब थोड़ा लेट से होता है इसलिए प्याज को भी डाल देते हैं इसमें। देखिए प्याज भी डाल दिए हैं, और अब जो है इसके बगल वाला में डालते हैं जो जल्दी ख़राब होता है। तो यहाँ पे देखिए इस गड्ढा में जो कि हमारे लेफ्ट साइड है, इधर से हम लोग जब हमारा फेस है फ्रंट व्यू, तो ये यहाँ पे कद्दू डाल दिए, ये लंबा बैगन, और ये बैगन है बड़ा वाला लंबा, और छोटा बैगन भी होगा गोला बैगन, ये जो है गोला बैगन है ये भी डाल देते हैं इसमें। ये सब जो है जल्दी ख़राब हो जाता है, और इसको झींगा कहते हैं हम लोग, इसको नेनुआ भी बोलते हैं बहुत जगह, इसको भी डाल देते हैं, और शिमला मिर्च, ये शिमला मिर्च रहा इसको भी डाल देते हैं, और यहाँ पे टमाटर है, टमाटर भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है तो इसको भी इसी में डालते हैं। यहाँ पे देखिए टमाटर डाल दिए, और जो है खीरा है इसमें, ये देखिए खीरा भी चले गया, और यहाँ पे भिंडी, 4 भिंडी है इसको भी डाल देते हैं, और जो है यहाँ पे कुछ मिर्च है, मिर्च को भी डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, और यहाँ पे लास्ट में मूली रहा, मूली को डालते हैं, और यहाँ पे सब्जी ख़त्म हो चुका है, मतलब 10-15 टाइप का सब्जी डाले हैं। अब जो है गड्ढा को भरने का बारी है, चलो जल्दी से यहाँ भरो, अभी गड्ढा भरा रहा है। गाइज इसको ऐसा करना है किसी आदमी को लगे नहीं यहीं पर, यहाँ पे कुछ गारा हुआ है जमीन के अंदर, दफनाया हुआ है। तुम लोग लेना नहीं इसमें से कोई, बच्चे लोग इसमें से लेंगे नहीं क्योंकि 7 दिन बाद देखना है ना, 7 दिन बाद फिर आना। अरे मतलब बता रहे हैं ना, 7 दिन बाद यहाँ पे लग रहा है कुछ जो है गारा नहीं गया, दफनाया नहीं गया, नॉर्मल सरफेस नॉर्मल लग रहा है। तो गाइज अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे, और उसमें जो है देखेंगे सब्जी का क्या हाल हुआ नहीं हुआ, जो दफनाए हैं उसको निकालेंगे। तो गाइज आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग ये खाना खाते हैं तो पता रहना चाहिए कि सब्जी जो है कितना दिन में ख़राब होता है, कितना दिन में क्या होता है, और ज़मीन के अंदर जो है सब्जी मतलब बहुत कम जो है ख़राब होता है, ये तो सुने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा।